लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के नगर सेवक मनपा अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, धमकियां देकर काम करवाते हैं, ऐसा संगीन आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता गणेश नाइक ने खुली चेतावनी दी है कि ऐसी गुंडागर्दी नवी मुंबई में नहीं चलेगी। एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से हालिया मुलाकात में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने गुंडागर्दी करने वाले ऐसे नगर सेवकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की भी मांग की। बीजेपी विधायक ने कहा कि यदि आयुक्त इसे नहीं रोक पाए तो बीजेपी इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी। देखिए रिपोर्ट। चार हजार करोड़ के बजट वाली सत्ताहीन नवी मुंबई महानगर पालिका में ना तो महापौर है ना ही नगर सेवक। ऐसे में आयुक्त अभिजीत बांगर ही अकेले मालिक और मुखिया हैं। उनके पास मनपा का पैसा और पावर दोनों है, फिर भी उनके अधिकारियों को गालियां खानी पड़ रही हैं। यह सब खुलासा हम नहीं बल्कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने किया है। आयुक्त से हालिया मुलाकात में उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि 100 में से कुछ एक नगर सेवक अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, धमकियां देकर काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी गुंडागर्दी रोकने और अधिकारियों को सुरक्षा दिलाने की मांग की। आखिर वे कौन और किस पार्टी के नगर सेवक हैं जो प्रशासनिक कामकाज में दखलंदाजी और गुंडागर्दी करते हैं? लेकिन यह जानने से पहले गणेश नाइक का वो बयान सुन लीजिए। कहीं कहीं नगर सेवक 100 में से 1000 नगर सेवक खुद को नगर सेवक का मुखौटा डाल के अंदर से गुंडागर्दी करने की भाषा करते, अधिकारी को कुछ न कुछ उस पर दबाव डालने का बात करता है, ऐसे नगर सेवक कौन है, उनको ढूंढो। सुना आपने, यह खुलासा खुद पूर्व मंत्री गणेश नाइक का है। अब 111 नगर सेवकों वाली एनएमएमसी की हालत भी समझ लीजिए। यहाँ 50 से अधिक नगर सेवक बीजेपी के और विधायक गणेश नाइक के अधीन है। 45 नगर सेवक शिवसेना और बाकी कांग्रेस और एनसीपी से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो गणेश नाइक का इशारा वासी में रीडेवलपमेंट का काम करवा रहे किशोर पाटकर की ओर है और तुर्भे में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने सुरेश कुलकर्णी और ऐरोली में टेंशन बने एमके मढ़वी और विजय चौगले की ओर हो सकता है, जो मंत्री एकनाथ शिंदे की धौंस दिखाकर अपना मनमानी काम करवाना चाहते हैं। इनमें से कुछ बीजेपी के भी दबंग नगर सेवकों पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन असली सवाल इनके खुलासे का है, जो ना तो गणेश नाइक कर रहे हैं ना ही अधिकारी इस पर बोलने को तैयार हैं। सवाल यह भी है कि यदि गुंडागर्दी करने वाले नगर सेवक सत्तारूढ़ शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं तो फिर पीड़ित अधिकारी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराते? फिर इसके लिए बीजेपी नेता गणेश नाइक को आंदोलन की चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ती? माँ बहन के ऊपर गाली देते अधिकारी को, जो अच्छे अधिकारी है उनको संरक्षण देना आयुक्त का काम है। आयुक्त से नहीं होगा तो हमें बोल दो, हम लोग भी रास्ते में उतरेंगे ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन करने की, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी हम लोग होने नहीं देंगे। असल में इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। फिलहाल मनपा सत्ताहीन है, प्रशासन पर नगर सेवकों का कोई अंकुश नहीं है। ऐसे में अधिकारी अक्सर विकास कार्यों में देरी और मनाही करते हैं, जिसकी वजह से धमकियां मिलनी स्वाभाविक हैं। जाहिर है यह सब मनपा चुनाव तक चलता रहेगा, जिसे सरकार फिलहाल कराने के मूड में नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।